हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंदाराना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपका बाइक का बैटरी डाउन हो जाता है ऑन द वे कहीं पे, बाइक को आपने स्टार्ट कैसे करना है, तो ये सारी टिप्स मैं बताऊंगा। 3 टिप्स है इसको चालू करने की जो आपको पता रहेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए। मैं काफ़ी अच्छे से जुगाड़ आपको इसमें क्या कर सकते हैं ये सारे बताऊंगा। लेके जो सेल्फ नहीं अगर चल रहा है तो आप धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो नॉर्मली सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसको आप कोई सिचुएशन में धक्का मार के स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या क्या अलग अलग टिप्स है वो सारी चीज़ों के लिए बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं ये गाड़ी का क्या क्या इशू है और कैसे गाड़ी को चालू करना है। आप देख सकते हो जो बाइक का है की चालू किया है, यहाँ पे देखो आप न्यूट्रल का जो लाइट है वो चालू हो गया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करने को ट्राई करेंगे, लेकिन देखो गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही क्योंकि बैटरी जो है ये पूरी डाउन है, उसकी वजह से गाड़ी का सेल्फ बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। देखो ये करके बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है, सेल्फ ही नहीं उठा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग किक मार के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नया रॉयल इनफील्ड है उसमें किक नहीं है, तो आप उसको कैसे चालू करेंगे, तो उसके सारे जुगाड़ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पहला जुगाड़ जो रहेगा, जो गाड़ी को हम लोग यूजुअली सबको पता है धक्का मार के हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। धक्का मारने के पहले दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। पहला कि आपका जो इग्निशन है ये ऑन रहना चाहिए, गाड़ी जो है वो न्यूट्रन में होनी चाहिए जब आप ये करते हो। ले लिया, फिर आपको क्या करना है, क्लच दबाना है। क्लच दबा के गाड़ी डालने के सेकंड गियर में डालने के बाद में आपको किसको बोलना है, धक्का मारो, गाड़ी स्पीड पकड़ ले, कोई धक्का मारना है उसके बाद आपका क्लच जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ देना है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको धक्का मार के दिखाता हूँ। दूसरा जुगाड़ है, आपको यूज करना है जम केबल का। यूजुअली जम केबल ऐसी बड़ी होती है जो कार के लिए यूज होती है और ये काफी मोटी होती है, तो कोई बाइकर इसको कैरी नहीं कर सकता है, तो इतना बड़ा जम केबल हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैंने डिजाइन किया है पोर्टेबल जम केबल जो बाइक के लिए काफी अच्छे से काम करेगा और उसको काफी रिसर्च करके मैंने बनाया है। तो ये हम लोग डाल देंगे बाजू में और अभी हम लोग यूज़ करेंगे ये जम केबल का, जो इजीली आप बैग में कैरी कर सकते हो फोल्ड करके, काफ़ी छोटा सा हो जाता है। दोस्तों, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, तो प्लस टू प्लस में जाएगा तो रेड जो है ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है ब्लैक, तो यहाँ पे पहले प्लस में लगा दिया। एक स्पेयर बैटरी जो है हमारे पास में उसमें प्लस में लगा दिया। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने ये स्पेयर बैटरी रखी, आप किसी के बाइक से भी इसका करंट ले सकते हो। यहाँ पर माइनस का माइनस में लगा देंगे और यहाँ पर माइनस का माइनस में लगा देंगे। पहले इग्निशन को ऑन करना है, गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल दिख रहा है और इसका ऑन पोजीशन में होना, ये ऑफ है, ये ऑन पोजीशन है। अभी हम लोग सेल्फ मारेंगे, देखो ये सेल्फ मारने के बाद अभी गाड़ी यहाँ पे हो गई है शुरू। तो आपने इजीली गाड़ी को चालू कर दिया एक केबल के थ्रू। आपको कभी बाइक का इशू हुआ, कभी स्लोप पे हो जहाँ पे आप धक्का नहीं मार सकते हो, तो ये जम केबल के थ्रू आप इसका यूज़ कर सकते हो। खाली ये है, आपको करंट चाहिए होता है, कोई भी कार से ले सकते हो, कोई भी बाइक से ले सकते हो, कोई भी ट्रक से ले सकते हो, लेकिन आपको एक केबल होना ज़रूरी है करंट लेने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो बाइकर जो लद्दाख वदाख जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा। अभी यहाँ पे जब निकालते होगा इस दोनों को टच नहीं होने देना है, क्योंकि टच होगा तो शॉर्ट होगा, तो भी ये प्रोटेक्टेड है। इसको हमने निकाल दिया और माइनस को अलग से निकाल दिया, तो गाड़ी अभी चालू हो गई आपकी। इसकी क्लिप की क्वालिटी भी आप देख सकते हो कि ये है प्लास्टिक प्रोटेक्टेड क्लिप है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अंदर से लेड कोटेड क्लिप सही है, तो ये रस्टिंग भी नहीं पकड़ेगा और काफ़ी अच्छा गेज का वायर यूज़ किया है, तो आपकी कोई भी सुपर बाइक्स इसमें चालू हो जाएंगे। तो पहले इसको टेस्ट किया है मैंने 8-10 गाड़ियों में, उसके बाद ही ये जम केबल बनाया है। अगर आपको ये जम केबल ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको ख़रीद सकते हो। ये गाड़ी में आप देख सकते हैं दोस्तों किक है, अभी जो नई रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ है उसमें किक भी नहीं है, तो अगर आपका बैटरी का इशू होगा तो ये गाड़ी को पुश करना बहुत बड़ा तकलीफ है, तो अगर जम केबल रहेगा तो वो भी एक आपका अच्छा एडेड एडवांटेज रहेगा। तो ये जो है ये नॉन इंसुलेटेड क्लिप्स है, तो इसके ऊपर कवर नहीं है, ये ओपन क्लिप्स है और ये थोड़ा पतला वायर हमने यूज़ किया है इसके अंदर कोटेबल बनाने के लिए। तो ये जो वायर है ये 400cc बाइक तक का काफ़ी ईजिली स्टार्ट करता है। हमने इसको 650 बाइक पर भी ट्राई किया है, लेकिन हम लोग 400 तक इसको रिकमेंड करते हैं, रॉयल इनफील्ड वगैरह सब गाड़ियाँ इससे स्टार्ट हो जाएंगी। और सकते हो ये जिसके कवर नहीं लगाया है और ये देखो इंसुलेटेड है, इसको कवर लगाया है, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम रहते हैं।
और ये थोड़ा मोटा वायर यूज़ किया है हमने 8 mm का, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा हेवी ड्यूटी वायर और क्लिप्स भी, क्लिप्स की क्वालिटी दोनों में सेम है, ये खाली इंसुलेटेड है और ये जो है इसके ऊपर कवर नहीं है, तो इससे शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं हम लोग, तो ये काफ़ी डिफरेंस है इसमें। तो सुपर बाइक्स के लिए हम लोग 8 mm ये जो मोटा केबल है उसका रिकमेंड करते हैं। अगर आपका 400 cc के ऊपर बाइक है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं ये यूज़ करिए। 350 रॉयल एनफील्ड वगैरह जो गाड़ियां है इसके लिए ये केबल आप यूज़ कर सकते हैं। तो फोल्ड होने के बाद में इतने छोटे हो जाते हैं, ईजिली आप इसे देखो ये जो मुट्ठी में आ जाता है, ईजिली आप उसे बैकपैक में डाल के कैरी कर सकते हो। दोस्तों तीसरा और ये आखिरी जुगाड़ जो महंगा जुगाड़ है वो है जंप स्टार्टर का। तो जंप स्टार्टर जो है ये मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, इतना बड़ा है जंप स्टार्टर, ये है जंप स्टार्टर, ये जंप स्टार्टर से भी हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को। तो ऐसा होता है जंप स्टार्टर, यहाँ पे उसके केबल्स है और ये है बैटरी पावर बैंक जैसी, और इसको भी हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इग्निशन ऑन करना है, गाड़ी को न्यूट्रल में रखना है, न्यूट्रल का लाइट शुरू है यहाँ पे। तो अभी चालू करते हैं जंप स्टार्ट का प्रोसेस, इसे सॉकेट को लगा देना है यहाँ पे, और प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में। तो ये लगा दिया प्लस का प्लस में और माइनस का लगा दिया माइनस में। यहाँ पे एक बटन दिया है, ये बटन को आपको प्रेस करना है, बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे लाइट जलना चालू होगी, आपको इग्निशन ऑन करना है, गाड़ी को न्यूट्रल में रखना है और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये देखो ये हो गया गाड़ी स्टार्ट। तो अभी यूज़ किया हमने जंप स्टार्टर का, तो इसमें इनबिल्ट बैटरी होती है। इसका दिक्कत यही है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, और सेकेंड चीज़ इसका ये है कि ये जीरो अल्टीट्यूड में बराबर से काम नहीं करता है। थर्ड प्रॉब्लम इसका ये है कि इसको आपको हमेशा चार्ज करना होता है, तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट व्हाट आई प्रीफर इज दिस इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग। वायर केबल जो है, जो जंप केबल है, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उसको आप 5, 7, 7 साल, 8 साल, 10 साल कुछ नहीं होता है उसको, मेंटेनेंस इन दैट वन बिकॉज देर इज़ नो बैटरी इन्वॉल्व। बैटरी है नहीं उसके लिए, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसके अंदर बैटरी इन्वॉल्व है, तो बैटरी का अगर लाइफ ख़राब होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो BS6 गाड़ियाँ है, काफ़ी गाड़ियों में जो किक है वो निकाल दी गई है, और पहले जो BS4 गाड़ियाँ के पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसके अंदर धक्का मारना है वो रिकमेंडेड था, लेकिन जो BS6 गाड़ियाँ है उसके अंदर ECU आता है, उसकी वजह से जो धक्का स्टार्ट करना वो एडवाइजेबल नहीं होता है। लेकिन वो एक है जुगाड़, आप कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आपको हमेशा जंप केबल का यूज़ करिए या जंप स्टार्टर का यूज़ करिए। तो जंप स्टार्टर जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, जैसे MI वगैरह जो कंपनियां बनाती है, और काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है, वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के जंप स्टार्टर आते हैं। वो बैटरी बैकअप वाले होते हैं, अगर आप लद्दाख वगैरह जा रहे हो उसके अंदर बैटरी बैकअप होता है, ज़ीरो अल्टीट्यूड पे वो बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो काम नहीं करते बराबर से। तो सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो है जंप केबल का। दोस्तों इस वीडियो के लेके आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने के लिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, आप आपके राइडर दोस्त के साथ में भी शेयर कर सकते हो, शायद उसके हेल्प हो जाए, कहीं पे वो अटक गया है बैटरी रीजन की वजह से। दोस्तों हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, आपने अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।